से नल नहीं आ रहा तुम्हारा अभी? एक जन को भी बोलो कितने दिन से नल नहीं आ रहा तुम्हारा? 8-9 महीने से नल नहीं आ रहा, काले से पहले से नल नहीं आ रहा तुम्हारा, है ना? और केर पट्टी तुम लोग ने नालूल के साथ एक नंबर भरे ले ना। हाँ घर नंबर क्या है अपना? 137। मेंबर लोग के पास गए थे तुम लोग? मेंबर लोग के पास गए थे? मेरा नाम सैयद नियाज अली है, दयाना रंजनपुरे में नौ ग्रेन ट्रेनिंग के पास मैं रहता हूँ। हम सोशल वर्कर का काम करते, तो ये कुछ लोगों की दिक्कत जो भी होती है हम लोग उसके लिए बागडोर करते हैं। जिन्हें जहाँ लगता है मेरे को वहाँ करना है, लोगों की तकलीफ है तो वहाँ लोग जाके थोड़ी मदद करते हैं जो भी हमारे तरीके से होता है। दयाना रंजनपुरा बहुत ही अल्लाह के रंग से डेवलप हो चुकी है, मगर आज भी 10-15-20 साल से जो लोग रहते आज भी उनको ये हालत का सामना करना पड़ता है। कई पानी की तकलीफ है, संडास रोड गटर की, उनको बोरिंग का पानी पीना पड़ता है, उनको नल का पानी नहीं पाएगा तो नल की पट्टी भरे बाद उनको नल का पानी नहीं मिलता। बोरिंग के पानी से गुजारा करते, कई कारखाना अभी लॉकडाउन में बंद थे तो उनको पीने के पानी के बहुत ज़्यादा उनको उनके सामने परेशानी आई। तो वो परेशानी में और बीमारी हमारी, ये बीमारी जो पानी रहता बोरिंग का पानी, ये नुकसानदेह भी रहता, पीने खाने के लिए सही नहीं है, मगर वो मजबूरी में वही चीज़ को पीना वगैरह खाना पकाना उस चीज़ से करते, तो उसमें कुछ बीमारी हमारी में लोग इतने परेशान रहते खा पी के। आज मेरा ऐसा ख्याल है कि तमाम ही लीडर अपने जो भी है कारपोरेटर जो भी रहते हैं, अभी वो कोई पार्टी को एक तरफा बोलना नहीं है, मगर ये अपने वो अल्लाह ने वो वक्त दिया कि अपन कोई कारपोरेटर बने या किसी मदद करे। ये हमारा सोशल वर्कर मेरे आज भी सैयद हमारी तरफ भी हम लोग भी यानी कुछ भी तोफ्ता करते, हमारी तो कोई कैपेसिटी नहीं थी ऊपर लेवल पर। आज कारपोरेटरों का इतना लेवल है, सब कुछ है, और ये बात पे अगर बारीक बारीक बात पे अगर ख्याल लेकर इनका काम इनके काम को अंजाम दे रहे हैं, कारपोरेटर के पास अपने पास पावर है सब है, तो इनके ऊपर अगर ख्याल लेंगे तो इनकी बिचारों की परेशानी दूर हो जाएगी। बहुत ऐसे वार्ड रंजनपुरे में आज भी है वैसे हाल में ज़िंदगी जी रहे हैं, 10-15 साल से एक ही जगह रहते, उनके घर बना रहे, उनके पास कैपेसिटी मतलब दवा खाने में कमा खा के लेवल रहते, उनकी तरक्की नहीं होती, वो ये हाल में ज़िंदगी गुजारते, कोई पन्नी काम कोई तरासन बढ़ते मजदूरी करते। इनका पानी का मसला है बहुत ज़्यादा, यानी दिक्कत का काम है, वो पानी का मसला सॉल्व हो जाएगा उसके बाद तो दूसरी मिसाइल तो हो जाएगी पूरे, पर पानी का सबसे ज़्यादा आज की तकलीफ में उनको पानी की तकलीफ ज़्यादा है। पीना खाना उनको पानी नहीं मिलता है, वो दुकाले में उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारे है वो मेरे को पाएगा था, उन्होंने बताए एक एक बात और सुन लिया गए तो सुन सकते समझ सकते उनके आगे, क्योंकि रमजानपुरे में पानी सिर्फ बोरिंग का इस्तेमाल होता है, कुछ बोरिंग में पानी आता है कुछ बोरिंग में, वो सिर्फ नल के पानी पे अगर उनको मिल जाए तो उनका सारा आज की तारीख का मसला सॉल्व हो सकता है। और इन लोगों के पास केर पट्टी वगैरह और नल पट्टी सब भरी हुई है कि नहीं है? नंबर में केर पट्टी है इनके पास, और बाएगा था जिनके पास एक नंबर में वो लोग ज़्यादा शिकायत में बेचारे परेशान है, और जिनके पास है नहीं है वो तो पता नहीं, मगर जो एक नंबर वाले आज जो लोग जाके बोले कि अब तुम केर पट्टी भरो तुमको पानी मिल जाएगा ये मिल जाएगा, जब कारपोरेटर केर पट्टी भर के पानी नहीं दे सकते तो उनकी केर पट्टी भी नहीं फाड़ लीजिएगा। आज उन लोगों ने केर पट्टी कैसे पैसे भरे वो भी उन्होंने बताया है कि भैया कैसी कंडीशन में हमने क्या पानी मिल जाए, हमको बस हमारे लिए था समझ रहे पानी आज आप जमझम समझ के उन्हें पानी का इंतजाम करेंगे, अगर हम पैसा खर्चा करके पानी मिले तो वो पानी के लिए दर दर हर दर दर भटक रहे, कारपोरेटर के पास जा रहे, इसके पास जा रहे, सोशल वर्कर के पास भाग रहे। मगर यार मैं तो ये सोचता कि यार ये काम अगर हो जाएगा तो अपना एक सवाब का काम है। ये